जगन्नाथ पुरी में एक दासी बहुरी नाम का एक गरीब रहता था। वो रोज जगन्नाथ मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। वो एक दिन जब जा रहा था, उसको एक नारियल वाला मिला जिसके पास नारियल की बोरी थी। उसको उठाई नहीं जा रही थी, तो दासी बहुरी ने सोचा चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो दासी बहुरी ने थैली का एक साइड पकड़ा, एक साइड नारियल वाले ने पकड़ा। तो जब दासी बहुरी ने नारियल वाले को पहुंचा दिया उसकी दुकान में, तो नारियल वाला बहुत प्रसन्न हुआ उसे और बोला आपको क्या चाहिए। फिर दासी बहुरी ने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वापिस पूछा दुकानदार ने अरे बता दो आपको क्या चाहिए। फिर दासी बहुरी ने कहा अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे एक पानी वाला नारियल दे दो ताकि मैं उसको भगवान जगन्नाथ को चढ़ा पाऊँ। तो फिर दुकानदार ने एक पानी वाला नारियल दिया। तो दासी बहुरी पानी वाला नारियल लेके गया। फिर जब मंदिर में पहुंचा तो पुजारी को बोला पुजारी क्या इस नारियल को भगवान को चढ़ा सकते हो। तो पुजारी हंसा हा 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 हमारे जगन्नाथ जी तो सबसे अच्छा और 56 भोग खाते हैं, वो तुम्हारा ये नारियल कैसे स्वीकार करेंगे। हा 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 तुम जाओ यहाँ से। तो फिर दासी बहुरी सैड होके मंदिर के बाहर चला गया और वो भगवान जी को रो रो के प्रार्थना कर रहा था हे जगन्नाथ जी ये सारी चीज तो आपकी पहले से है लेकिन मैं इसको प्रेम से दे रहा हूँ प्लीज आप इसको स्वीकार कर लो। तो मंदिर के अंदर से दो ब्लू ब्लू हाथ आए और वो नारियल लिए और दासी बहुरी को आशीर्वाद दिया और वो दोनों हाथ अंदर चले गए ब्लू कलर के। तो इसे हमने क्या सीखा फ्रेंड कि हम भगवान को प्रेम से कुछ भी दे भगवान ये स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे बोल राधे राधे।